हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाय बिटकॉइन डॉट ओ आर जी डॉट इन के बारे में। दोस्तों, मैं आपको अभी कुछ चैट्स दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, उसके बाद ही मैं पूरी वीडियो में इनको एक्सपोज करूंगा और ये कैसे स्कैम कर रहे हैं इस बारे में भी आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के अंदर ही आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सिग्नल्स मिलते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आपको सिर्फ क्लिक करना और ज्वाइन कर लेना। बाकी दोस्तों, इसमें जो भी मैं कहूंगा ये रिव्यू नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपोज होगा, क्योंकि इसके अंदर आपके सामने सामने मैं निकालूंगा किस तरीके से ये कंपनी स्कैम कर रही है और मैंने इनको खुद कैसे रजिस्ट्रेशन होती है, आपकी आईडी वेरिफिकेशन कितनी जल्दी होती है, सबके सब चीजें इसमें बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरे को इन्होंने पेड रिव्यू करने के लिए 10,000 रुपये, जी हाँ दोस्तों, 10,000 रुपये बोले थे। और दोस्तों, मैंने उस समय कहा था कि चलो ठीक भी है, देख लेंगे क्या करना है, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ ऐसे फ्लॉज देखे इसमें जो कि मैंने बिल्कुल बिल्कुल मना कर दिया और मैंने नहीं किया पेड रिव्यू। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कब से मेरे से बात हो रही है, सब कुछ इसी वीडियो में देखते रहिएगा। मेरा नाम है अमरप्रीत सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन क्रिप्टोनेटर। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए इंडियन क्रिप्टोनेटर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए द मोस्ट हॉट टॉपिक क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये 17th of Feb को बात शुरू हुई थी हमारी, जिसके अंदर हमने बात की थी कि पेड रिव्यू करना है तो कैसे करना है, कब करना है या किस चीज़ पे करना है। तो मैंने उनको कहा था मैं पहले खुद ऐप यूज़ करूँगा, उसके बाद अगर लेजिट लगे तो मैं उसका पूरा रिव्यू करूँगा। मैंने फिर बाद में पूछा देयर आर नो डिपॉजिट्स और ऑप्शन, तो उसका क्या करना है। तो डिपॉजिट ऑप्शन के बारे में मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा कि गवर्नमेंट नहीं इसको करती है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि फॉरेन से पेमेंट आती है और एक्सचेंजेस में जाती है, इसीलिए क्वाइनेक्स वाइनेक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद मेरी बात हुई कि देखते हैं हम करना है कि रिव्यू नहीं करना, और मैं कर दूंगा अगर मेरे को सही लगा। तो दोस्तों, उसके बाद मैं इस वेबसाइट से थोड़ा हट गया और मैंने इसका रिव्यू नहीं किया ड्यू टू सम रीजंस कि आरबीआई का ये वो सीन हो गया, तो मैंने नहीं किया। और आज जब मतलब इसके ऊपर वापस जब मेरे को पता लगा इस चीज़ के ऊपर, इसके ऊपर क्या चल रहा है, कैसे स्कैम चल रहा है, तो मैंने इसके बारे में कुछ चीज़ें रिसर्च की, तो वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ किस तरीके से इंडिया में स्कैम हो रहा है एक्सचेंज के नाम पे। तो दोस्तों, ये आपके सामने अब मैं गूगल प्ले स्टोर पे लेके चलूँगा आपको, और इस आईडी के बारे में, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से स्कैम हो रहा है। तो दोस्तों, ये मैंने गूगल प्ले स्टोर का पेज खोला, जिसके अंदर बिटकॉइन का बाय बिटकॉइन बाय क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया जो ऐप है उसके बारे में लिखा गया, और इसके आप ज़रा वो पढ़िए, रिव्यूज़ पढ़िए। चीटिंग, डोंट यूज़ दिस ऐप और देयर वेबसाइट। इफ़ यू डिपॉजिट मनी इट विल बी कन्फर्म विद इन मिनट्स, एंड इफ़ यू ट्राई टू विदड्रॉ दे डिडेंट अलाउ यू टू विदड्रॉ योर मनी और कॉइन्स, डोंट बी अ लूजर। उसके बाद यहाँ पे प्रोज वन, ग्रेट कस्टमर सपोर्ट, फास्ट केवाईसी। भाइयों, इसकी केवाईसी कुछ है ही नहीं है, जैसे ही आप अपना आधार कार्ड या कुछ डालोगे वो वैसे ही कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये केवाईसी रिव्यू करते ही नहीं है। केवाईसी रिव्यू करने के लिए खुद रिव्यू करनी पड़ती है, और ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ केवाईसी डालने, एक छोटा सा रखा हुआ है, केवाईसी का कोई काम है ही नहीं है। उसके बाद वेरी मच कनिंग, नो एक्सचेंज हैज़ बीन अफेक्टेड आफ्टर आरबीआई गाइडलाइंस, दे से देयर आर मैनेजिंग टू ओपन अ न्यू अकाउंट, माय विड्रॉल इज पेंडिंग फ्रॉम 3 डेज एंड सो ऑन। मतलब इन्होंने अभी तक किसी के विड्रॉल नहीं दिए हैं और ये पहले भी नहीं दे रहे थे, और ये आरबीआई का सीन लगा के, आरबीआई के कारण कह के उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, अभी तो आरबीआई के बारे में कोई बात शुरू भी नहीं हुई। अब मैं इनको आपको इनकी ऐप पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरीके से ट्रेडिंग होती है और क्यों ये वेबसाइट थोड़ी बहुत चली, किस रीज़न से ये थोड़ी बहुत वेबसाइट चली। पहले बात तो दो तीन यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर पेड प्रमोशन भी किया हुआ है, और वो आप खुद देख लेना किन किन ने किया और क्या क्या किया और कितने कितने व्यूज़ हैं। और इनकी वेबसाइट है देखो भाई, बिल्कुल बाइनेंस वाली लुक दी हुई है इन लोगों ने। ऊपर से इनके क्वाइंस देखिए आप, BTC, नियो, XLM, ये चीज़ बताती है कि क्वाइंस को इंटीग्रेट करना कितना ज़्यादा आसान है। और आप डेंट, ICX जो भी देख रहे हैं देख रहे हैं। अब मैं आपको इनकी वेबसाइट पर छोड़ के आपको इनके ऐप में लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं ऐप पे रजिस्टर्ड हूँ, ऐप पे मैं बना हुआ हूँ, तो मैं आपको उस पर ही बताता हूँ। तो दोस्तों, ये अब आप देख सकते हैं, तो है ये ऐप है बाय बिटकॉइन डॉट ओ आर जी की। दोस्तों, ये ऐप इन्होंने मतलब आप डिपॉजिट करो, INR विड्रॉ करोगे, आप विड्रॉ दबाओ, ऐसे ही कुछ भी लिखो, विड्रॉ करंटली INR डिपॉजिट्स आर एंड विड्रॉल्स आर हॉल्टेड सिंस आर बैंक अकाउंट इज फ्रीज्ड, हाउएवर यू कैन विड्रॉ IUSD क्वाइन एज ऑफ नाउ, मोर क्वाइंस विड्रॉल
विल बी एनेबल्ड सून। भाइयों पहले इनके सारे कॉइन्स के एनेबल थे, मतलब सारे आप कॉइन्स एनेबल कर सकते हो, बट अब यही कॉइन सिर्फ एनेबल नहीं कर सकते। ये चीज़ बताता है कि ये लोग पैसा दे के यूट्यूबर्स को किस तरीके से प्रमोशन करवा के लोगों का स्कैम करवाते हैं। उसके बाद इतना अच्छे तरीके से ये स्कैम कर रहे हैं, चैट विद अस, मतलब ऑनलाइन चैट करो। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉइन ट्रांजेक्शन, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना ही अभी तक चेक ही करने के लिए इसको किया था। आप इसके अंदर देख ले ट्रेडिंग कैसे होती है, आपको ये ट्रेडिंग मिल जाएगी। आप नीचे देख सकते हैं बाय ऑर्डर्स सेल ऑर्डर्स देख सकते हैं, आपको ट्रेडिंग मिल जाएगी, बिल्कुल अच्छे से सब कुछ हो रहा है। ये चीज़ें सब इन्होंने एक टाइप का स्कैम करने के लिए रखी है। मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई ट्रेडिंग कर ही नहीं रहा होगा। और ऊपर से अब इनके IOST कॉइन यानी कि IOS टोकन का रेट देख लेते हैं। और ये IOS टोकन का रेट हम अभी देखेंगे, आप ये IOS टोकन का रेट देख रहे हैं इधर 10.12 डॉलर, यानी कि 10.12 रुपए, 10.12 रुपीज। अब मैं कॉइन मार्केट कैप खोलता हूँ, कॉइनोजी खोल रहा है कॉइन मार्केट कैप, तो दोस्तों यहाँ फर्क देख सकते हैं, 3 डॉलर, 3 रुपीज थी, 3 रुपीज का यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे 10 पॉइंट कुछ रुपीज का मिल रहा है। जो चीज़ सिंपल और सिंपल बताता है ये किस तरीके से स्कैम कर रहे हैं, यानी कि आप किसी भी चीज़ को N23 में खरीदो, उसके बाद उसको बाइनेंस पे लेके जाओ और उसको सेल करो। ये अच्छा खासा स्कैम चल रहा है, मैं कहता हूँ इनकी आप ऐप को रिपोर्ट कीजिए और इसके बारे में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं तो कीजिए, या कुछ ऐसा कीजिए तो जिस तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जो लोगों को अभी क्रिएट हो रही है। और किसी भी, प्लीज़ मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ इसके बाद, इस वीडियो के बाद, कि किसी भी ऐसे ही एक्सचेंज के ऊपर मत जाया कीजिए। अभी तक की जो सबसे अच्छी एक्सचेंजेस इंडिया में चल रही हैं वो मेरे हिसाब से चल रही हैं जेब्बे, क्वाइनेक्स, बिटवेंस और कॉइन नॉमी, कॉइन नॉमी थी, हाँ कॉइन नॉमी। ये अभी तक एक्सचेंजेस मैंने खुद यूज़ की हैं जिसके अंदर अभी तक कोई भी प्रॉब्लम मेरे को क्रिएट नहीं हुई है, तो मैं आपको ऐसे ही एक्सचेंजेस यूज़ करने को रिकमेंड करूंगा। और अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है बेस्ट एक्सचेंज इन इंडिया, तो आप वो ज़रूर जाके देखिएगा, जिसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि कौन सी एक्सचेंज आपको यूज़ करनी चाहिए। और प्लीज़ ऐसे स्कैम्स में मत फंसिएगा, ये स्कैम्स जो होते हैं मैक्सिमम और मैक्सिमम यूट्यूबर्स से फैलाए जाते हैं जो कि पेड रिव्यूज़ के लिए कभी भी मान जाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी ऐसे ही बात करने, किसी भी यूट्यूबर या किसी की भी रिकमेंडेशन के पीछे जाने के लिए। आप खुद की रिसर्च कीजिए, रिव्यू चेक कीजिए, रिव्यूज़ पे चेक जाइए और जाके उनसे खुद बात कीजिए, हर तरीके से वेबसाइट चेक कीजिए। आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है buybitcoin.org.in, ये क्या सीन हुआ, मतलब buybitcoin.in लगाते, .in नहीं लगा, ORG लगाते, ORG लगा तो .org.in, यानी कि इन्होंने बाय बिटकॉइन किसी ना किसी तरीके से करना था और ये .in भी करना था, तो इनको सिर्फ और सिर्फ यही चीज चाहिए थी। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा बिटबिंस, कॉइनॉमी, कॉइनएक्स, ऐसी वाली वेबसाइट पे जाइए, इन वाली वेबसाइट में मत जाके अपना स्कैम करवाइएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ दिख जाएंगे कॉइन्स, और कॉइन्स देखने के बाद ओ माई गॉड, LSK भी है, XVG भी है। भाइयों ये सब ओपन सोर्स होते हैं, इनको करना इंटीग्रेट कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता। आपको मैं रिकमेंड करूंगा, आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा और आपको फोर्स भी करूंगा कि इन एक्सचेंजेस पे प्लीज मत जाइएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि सबको पता लगे कि स्कैम्स कैसे हो रहे हैं इंडिया में। इन्हीं लोगों के कारण RBI ने बैन किया है, तो प्लीज करिए। और आप देख सकते हैं इसमें मेरे को बोला था कि आप पेड रिव्यू कीजिएगा, तो मैंने नहीं किया, तो मेरी भी थोड़ी सी मतलब इसी चीज़ के लिए लाइक तो करना बनता ही है वीडियो को। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में दिस इज अमरप्रीत सिंह, AKA इंडियन क्रिप्टोनेट, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।